मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है हमने भेजी हुई हैं उनकी मोशन क्या है, उनकी हरकत क्या है, उनकी स्पीड क्या है। आज सैटेलाइट रिक्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स। सबसे पहले वो कहता है कि एक जो सैटेलाइट है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स अलग है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग है। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको चारों तरफ से सेंटर में फोर्स लगती है, यानी कि उसके चारों तरफ फोर्स उसको लगाई जाती है ताकि वो सेंटर की तरफ रहे। जिस तरह आप एक पत्थर को अपने हाथ के साथ रस्सी से बांध कर घुमाए तो वो घूमता रहेगा, ठीक है, उसकी सारी फोर्स किधर आ रही है, सेंटर की तरफ, ताकि वो घूमता रहे। जिस तरह आपके पास टायर होता है मोटरसाइकिल का, उसमें वो तारें लगी होती हैं, आप यही समझ सकते हैं कि उन तारों की मदद से सारी फोर्स कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ, और वो घूमेगा। तो इसी तरह सैटेलाइट होती है जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से घूमती रहती है और उसी ऑर्बिट में रहती है। डेट कीप इज़ टू मूव अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटर एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। जो हमारी ज़मीन है उसका और सैटेलाइट का आपस में चक्कर बन जाता है, यानी कि रिलेशन हो जाता है, और ज़मीन भी अपनी थोड़ी बहुत कुवर लगाती है और सैटेलाइट भी, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स की मदद से वहाँ पे उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने अर्थ के लिए सैटेलाइट बनाई है और वो किसी मार्स की तरफ चली गई है, किसी प्लूटो की तरफ चली गई है, ऐसा नहीं होना। यानी कि उसको जिस ऑर्बिट में घुमाया है उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स की मदद से और साथ में जो अर्थ की है फोर्स उसकी मदद से वो वहीं पर अपने रास्ते पर ऑर्बिट में घूमती रहती है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास एम। एक सैटेलाइट आपने भेजी थी उसका मास छोटा एम है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड एच। उसका एल्टीट्यूड एच है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, उसका रेडियस आर है जिसकी तरफ वो, यानी जो वो ऑर्बिट एक चक्कर पूरा करता है उसका रेडियस आर ज़ीरो है, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी। और उसकी जो वेलोसिटी भी है, यानी कि जब वो ऑर्बिट में घूमता है, वो जो सैटेलाइट घूमती है उसकी जो उसका जो रेडियस है वहाँ का वो आर ज़ीरो है, और वो जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से वहाँ पे गर्दिश कर रही है वो वी ज़ीरो है। द नेसेसरी सैटेलाइट फोर्स रिक्वायर्ड इज़ गिवन बाई इक्वेशन 3.26। तो अभी हम उसको 3.26 शायद ऊपर होगी कहीं इक्वेशन। सो एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी ज़ीरो का स्केयर ओवर आर ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यह कह सकते हैं छोटा एम हमारी जो है ये सैटेलाइट है, वी ज़ीरो वेलोसिटी है, आर ज़ीरो रेडियस है, एफ सी जो फोर्स है ज़मीन की। दिस फोर्स इज़ प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट डब्ल्यू एम जी। दस एफ सी इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा था एफ इज़ इक्वल टू वेट, यानी कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, वेट एम जी, ठीक है। इसी तरह हमने एफ सी लिखा, वेट के ऊपर वो डैश सा लगा दिया, एम जी जी के साथ एच लगा दिया, कोई मुश्किल काम नहीं। एम जी एच हमने बाद में इधर रखा फोर्स की जगह, ठीक है, और एम वी का स्केयर एन ओवर आर। फिर हमने क्या किया कि वी का स्केयर किया और हमने जो जी एच है उधर ले गए, जी एच आर का स्केयर, सॉरी आर ओवर, सॉरी जी एच और आर हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया कि एम को एम के साथ काट दिया, और बाद में क्या किया हमने वी वी का स्केयर उधर किया, स्केयर से स्केयर, यानी कि दो जो है स्केयर से कट गया, वी अकेला रह गया और साथ में जी एच आर इसका अंडर रूट आ गया। बाद में हमने क्या किया कि आर हमने इधर लेके आए, ठीक है, और बड़ा आर प्लस एच, तो इस तरह आप जी एच, सॉरी हमें क्योंकि पता है कि छोटा आर जो है आर प्लस एच होता है, तो हमने आर उसके जगह आर प्लस एच लिख दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई है विच इज सैटेलाइट मोस्ट पोजेसेस वेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ओवर रेडियस अराउंड द अर्थ एंड अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच एज। तो इस तरह आप वो भी कर सकते हैं। आ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर।
सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ.